हरियाणा में लोकसभा चुनाव का ताप अभी कम भी नहीं हुआ था कि विधानसभा चुनावों की गर्मी ने सियासी पारा हाई कर दिया है। बीजेपी बेशक 5 सीटें हार गई हो, पर विधानसभा चुनाव के लिए मजबूती से खड़े होने की जुगत में लग गई है। वहीं कांग्रेस 5 सीटें जीतकर 7वें आसमान पर है। इससे पहले कि कांग्रेस अपनी और खुशियों को और मनाती, दिग्गज नेता किरण चौधरी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। किरण चौधरी के जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, ये तो देखने वाली बात है। पर इससे पहले इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बड़ा खुलासा कर दिया। अभय सिंह चौटाला ने झज्जर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भूपेंद्र हुड्डा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी तो किरण और उनकी बेटी गई है, आगे आगे देखो कौन कौन जाता है। ये तो शुरुआत है, अभी तो किरण और उसकी बेटी गई है छोड़कर। कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आज वोट पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस के 3-4 नेता लाइन में लगे हुए जो कांग्रेस को छोड़कर के दूसरी पार्टियां बैठ करने वाले, कांग्रेस से भी लोगों का विश्वास उठा हुआ है। आज कांग्रेस के पास सब करना की चीज नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना अकेला वर्चस्व रखना चाहता है पार्टी में, जिसकी कांग्रेस से भी परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में तो उस दिन और ज्यादा बड़ी भजन बच जाएगी जिस दिन टिकटों का वितरण हो। इन्होंने तो एक भी धरती से 15-15 उम्मीदवार बढ़ा रखी, जो कोई 10 रुपए वाला व्यक्ति है जिसके पास एक पैसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह भी उसका बेटा दोनों टिकट पे आ जाते हैं। इसके अलावा आगे अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस को गलतफहमी है कि लोकसभा में 5 सीट इंडिया गठबंधन ने जीती। कांग्रेस के नेताओं का पार्टी से विश्वास उठ गया है, इसलिए भगदड़ मची है। वहीं अभय चौटाला ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में इनेलो बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, यही नहीं बल्कि प्रदेश में इनेलो की ही सरकार बनेगी। या तो वो चुनाव लड़ेंगे, अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर मान के चलो उनके पास नेशनल पार्टी के कोई दूसरा रास्ता है, वो फिर आपके साथ आकर। आज मैं आपके बीच में 14 जिलों में जा करके आया, हमने 14 के 14 जिलों में कार्यकर्ताओं की जो बैठक थी, कार्यकर्ताओं का जो घोषणा था, अधिक संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, उससे सीधा सीधा एक संदेश जा रहा कि जहां लोगों के बीच में वोट मांगने जा रहे थे लोकसभा के चुनाव में, बहुत सारे साथी यहां से कुछ स्तर में भी गए। इनेलो नेता का दावा कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। आने वाले समय में कांग्रेस अपनी गुटबाजियों को कैसे रोकेगी, ये देखने वाली बात है।